हेलो फ्रेंड्स, संगीताज फ्लेवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए होममेड कुलचे की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम कुलचे बाज़ार से लेकर आते हैं और उनको हम फिर तवे पर बटर के साथ सेकते हैं, लेकिन इस बार हम कुलचे घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए कुलचे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और मैं इसमें 2 कप मैदा लूँगी। ये मैदा मैंने छान कर ली है। अब मैं इसमें 4 चम्मच दही डालूँगी। आधा चम्मच पाउडर शुगर डालेंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब मैं इसमें 4 चम्मच मेल्टेड बटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है इसका। अब मैं थोड़ा सा बटर हाथ पर लेकर इसको मैं थोड़ा चिकना कर दूंगी और अब हम इसको ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है, चेक कर लेते हैं। अब डो को मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा मसल लूँगी और इसमें इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी मैं इसको। ये देखिए, मैंने इसके 4 लोइयाँ बना ली हैं। अब हम 1 लोई लेंगे और इसको हम बेलेंगे। अगर आपका डो चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा घी लगा सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसको मोटा या पतला बेल सकते हैं। अगर आपको थोड़े मोटे कुलचे पसंद हैं तो आप थोड़ा इसको मोटा रखें और पतले पसंद हैं थोड़ा पतला बेल लें इसको। ज़्यादा पतला ना बेलें क्योंकि ये सिकने के बाद भी फूलता है। अब थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसके ऊपर, थोड़ी कलौंजी लगाएंगे और थोड़ा सा धनिया लगा देंगे। धनिया और कलौंजी बिल्कुल ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप कुलचे बना सकते हैं। और थोड़ा हाथ से इसको प्रेस कर देंगे और एक बार फिर से ऊपर से बेल देंगे इसको। इसी तरह से मैं और भी बना लूँगी। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई को हमें ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो आप तवे पर बनाएं। ये मैं इसमें कुलचा रख दूंगी और इसके चारों तरफ थोड़ा सा हम पानी छिड़क देंगे। पानी छिड़कने के तुरंत बाद हम इसको ढक देंगे, जिससे जो स्टीम बनती है उससे कुलचे सॉफ्ट बनते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे और फिर से हम इसके चारों तरफ पानी छिड़केंगे और तुरंत इसको ढक देंगे। एक मिनट के बाद चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारा कुलचा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब मैंने एक कैसरोल लिया है और इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। इसके ऊपर हम इसको रख देंगे और ढक देंगे, जिससे हमारा कुलचा सॉफ्ट बना रहेगा। इसी तरह से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। पानी लगाएंगे चारों तरफ थोड़ा सा और तुरंत ढक देंगे। ये देखिए, दूसरा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है।
अब जो हमने पहले कुलचा रखा था उसके ऊपर हम एक बटर पेपर रख देंगे और फिर उसके ऊपर हम दूसरा कुलचा रखेंगे, जिससे हमारे कुलचे आपस में चिपकेंगे नहीं। इसको ढककर रख देंगे। देखिए मैंने सारे कुलचे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपको कल कुलचे खाने हैं तो आप इसी तरह इनको हल्का सेक कर रख लें, और अगर आपको तुरंत खाने हैं तो मैं आपको एक तवे पर सेक कर दिखाती हूँ। ये देखिए तवा मैंने गैस पर रख दिया है, इसके ऊपर मैंने बटर लगा लिया है। अब कुलचे को हम सेक लेंगे, इसके ऊपर भी बटर लगाकर। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और 2 से 3 बार हम इसको पलटते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स आपने, घर पर ही कुलचा बनाना कितना आसान है। तो आप आगे से कुलचे घर पर ही बनाएं और उनको छोले के साथ एंजॉय करें। इसके ऊपर मैं फिर से एक बार बटर लगा दूंगी। अच्छी तरह से हमारा कुलचा सिक चुका है। ये देखिए आप, लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे कुलचे। ये देखिए मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ, ये कितने सॉफ्ट कुलचे बने हैं, बिल्कुल इजीली टूट रहा है ये। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।